प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम प्रश्नावली 6.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली 6.2 के प्रश्नों में हम BPT यानी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम और उसके कन्वर्स का प्रयोग करेंगे। BPT में आपको बता देता हूँ, यदि हमारे पास एक कोई त्रिभुज ABC है और एक रेखा जो बी सी के समांतर है और वो ए बी तथा ए सी को किस को अलग अलग बिंदुओं डी तथा ई पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो हमने कहा था कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। और BPT का विलोम उल्टा है कि उसमें ये गिवन है तो ये इसके पैरेलल है, तो इन दोनों कंसेप्ट का हम इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। और बाकी डिटेल से अगर इसको आपने समझना हो तो इसका पिछला लेक्चर देखिए, जिसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि आकृति 1 और 2 में DE पैरेलल टू BC है। ये आकृति 1 और ये आकृति 2 है, यहाँ पर DE BC के समांतर है, इसमें भी DE BC के समांतर है। एक में तो EC फाइंड आउट करना है तथा 2 में AD फाइंड आउट कीजिए। 2 में AD ये वाली पोजीशन फाइंड आउट करनी है आपने। तो हम ये कहेंगे क्योंकि DE समांतर है BC के, पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बाई ई सी। कारण दे दीजिए क्योंकि BPT द्वारा आधारभूत समानुपातिक प्रमेय द्वारा। अब ए डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1.5, डी बी की वैल्यू 3, ए ई 1 और ई सी हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से ई सी को इधर ले आइए, बराबर 1/1.5 × 3, 1.5 × 3, तो यहाँ से ई सी बराबर आ जाएगा 2। और ये सारा कुछ सेंटीमीटर में है तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में भी हम सेम टू सेम वही लाइन लिखेंगे क्योंकि डी ई समांतर है बी सी के, इसलिए ए डी बाई डी बी बराबर है ए ई बाई ई सी। ए डी हमें फाइंड आउट करना है, डी बी की वैल्यू रख दीजिए 7.2 गिवन है, ए ई 1.8 दे रखा है और ई सी 5.4। तो यहाँ से ए डी बराबर 1.8 5.4 × 7.2। और जब इसे कट करके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2.4, यानी ए डी की वैल्यू 2.4 आ जाएगी। ये देखिए 18 * 3 = 54 और 3 को करें 24, 2.4 आएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या ई एफ क्यू आर के समांतर है, ई एफ क्यू आर के समांतर है या नहीं, ये चीज़ हमें बताना है। कि सबसे पहली जो कंडीशन हमें गिवन है वो है पी ई बराबर 3.9 सेंटीमीटर, ए क्यू दे रखा है 3 सेंटीमीटर, पी एफ दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर दे रखा है
2.4 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब यहाँ पर पूछा गया है क्या ये रेखा इस रेखा के इस भुजा के समांतर है या नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि यदि इसमें कन्वर्स ऑफ BPT लगा दें, BPT का विलोम लगा दें कि PE/EQ अगर PF/FR के बराबर तो है तो ये समांतर है, बराबर नहीं है तो समांतर नहीं होगी। तो PE/EQ पहले निकालेंगे, PE/EQ, PE दे रखा 3.9 और EQ दे रखा 3, तो ये आ जाएगा 1.3। दोबारा निकालेंगे PF/FR, PF दिया हुआ 3.6 और FR दिया हुआ 2.4। इसको जब आप कट करोगे तो यह आएगा 3/2 और जो कि 1.5 के बराबर होगा। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दोनों इक्वल नहीं हैं, अब क्योंकि PE/EQ इक्वल नहीं है PF/FR के, बराबर नहीं है, इसलिए EF समांतर नहीं है QR के। इसी तरह से हमें बाकी पार्ट करने, इसके सेकंड पार्ट में देखिए, यहाँ PE दिया हुआ 4 सेंटीमीटर और QE दिया हुआ है 4.5। तो यहाँ PE/QE 4/4.5 और PF दिया हुआ है 8 और RF दिया हुआ 9। PF/RF 8/9। तो यहाँ पर भी अगर हम ये रेशियो देखें तो देखिए, इसको 2 से डिवाइड करें तो ये 4 हो जाएगा और ये 4.5 हो जाएगा, या फिर इसको 2 से गुणा कर लें, 4 दुनी 8 और 9। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि दोनों अनुपात क्या है, बराबर है। तो क्योंकि PE/QE बराबर है PF/RF की, इसलिए EF/QR के समांतर है, EF समांतर है QR के। अब अगले में देखिए कि आपको PQ पूरी भुजा दे दी, PQ दे दिया 1.28 और दूसरा है PR और यहाँ से PR दे दिया 2.56। यहाँ PE दे दिया 0.18 और PF 0.36। लेकिन अब हमें चाहिए क्या, PE चाहिए, PE तो है हमारे पास भाई, EQ चाहिए, EQ की बजाय हमारे पास पूरा PQ है। देखिए पूरा PQ है तो EQ किसके बराबर होगा, EQ होगा PQ माइनस PE। PQ कितना है 1.28 माइनस PE 0.18, ये आ जाएगा 1.1। इसी तरह से दूसरा हमारे पास PF है और FR चाहिए, FR पूरे PR में से, पूरे PR में से क्या माइनस करेंगे, PF माइनस कर देंगे, क्या बचेगा पीछे, FR ही बचेगा। तो 2.56 में से 0.36 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 2.2। अब ये लगा दीजिए कन्वर्स ऑफ BPT, PE/QE, PE 0.18
बाई क्यू या ई क्यू 1.1, और दूसरा पी एफ बाई आर एफ। पी एफ है 0.36 और आर एफ है 2.2। अब देखिए इसको मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा करूं तो ये 0.36 बटे 2.2 के बराबर होगा, यानी ये दोनों रेशियो इक्वल है। इक्वल है तो उसके बाद फिर ये वाली लाइन जो है हम यहाँ लिख दें, क्योंकि ये दोनों इक्वल है इसलिए ये इसके समांतर है। आगे प्रश्नावली 6.2 का थर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जैसे हमें एक आकृति दे रखी है और इसमें दिया हुआ कि LM जो है वो BC के समांतर है और LN जो है वो DC के समांतर है, और सिद्ध हमें ये करना है कि AM बाई AB इज इक्वल टू AN बाई AD। तो यहाँ दिया है LM समांतर है CB की तथा LN समांतर है CD की, और सिद्ध करना है AM बाई AB इज इक्वल टू AN बाई AD। अब देखिए इसका प्रूफ देखिए, क्योंकि LM समांतर है CB के, LM समांतर है CB के, इसका मतलब AL बाई LC बराबर होगा AM बाई MB। कारण BPT द्वारा इसे समीकरण एक का नाम देंगे। दूसरा LN पैरेलल टू CD, LN पैरेलल टू CD इसका मतलब AL बाई LC बराबर होगा AN बाई ND। AL बाई LC बराबर होगा AN बाई ND। अब देखिए इसे समीकरण 2 मानेंगे, कारण वही देंगे BPT द्वारा। अब समीकरण 1 और 2 की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड को हम इक्वल रख सकते हैं। समीकरण 1 व 2 द्वारा AM बाई MB बराबर AN बाई ND। लेकिन हमें प्रूव करना है कि AM बाई MB के बजाय AB प्रूव करना है। तो यहाँ पर इसको पहले पलट दीजिए, MB बाई AM इज इक्वल टू ND बाई AN। अब दोनों तरफ एक एक जोड़ देंगे, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर क्या होगा, कि MB बाई AM प्लस 1 बराबर ND बाई AN प्लस 1। यहाँ पर AM LCM आएगा MB प्लस AM, और यहाँ पर AN LCM आएगा ND प्लस AN। अब MB प्लस AM
एम बी प्लस ए एम, ए बी हो गया, ए बी बाई ए एम। और दूसरा एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन, ये ए डी हो गया, ए डी बाई ए एन। और अब देखिए जो चीज़ हमें सिद्ध करनी है वो ऊपर वाले नीचे आ गए, नीचे वाले ऊपर, दोनों तरफ है। अब इस समीकरण को पलट दीजिए, हम लिखें या ए एम बाई ए बी बराबर ए एन बाई ए डी। तो अब देखिए इसमें मैंने किया क्या है दोबारा से, कि पहले ये सिर्फ ऊपर वाले आधे ट्रायंगल को देखिए, इसमें बी पी टी लगा दी, और फिर नीचे वाले ट्रायंगल में हमने बी पी टी लगा दी। अब क्योंकि एक भुजा कॉमन आ गई इसमें, अगर एक भुजा कॉमन है तो बी पी टी लगाने के बाद दो समीकरण बनेंगे, उनकी एक साइड भी इक्वल होगी, दूसरी साइड को इक्वल रख दीजिए, और फिर इनको पलट के दोनों तरफ एक एक जोड़ दीजिए, फिर जो दोनों साइडें जो आती हैं उनको फिर पलट दीजिए, प्रूफ आ जाएगा। अब प्रश्नावली 6.2 का चौथा क्वेश्चन, आकृति 6.19 में डी ई इज पैरेलल टू ए सी, डी ई जो है वो ए सी के समांतर दे रखी है, और डी एफ समांतर है ए ई के, डी एफ है वो ए ई के समांतर है, सिद्ध कीजिए कि बी एफ बाई ई एफ, बी एफ बाई ई एफ इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी, बी ई बाई ई सी, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, कि डी ई ए सी के समांतर है, डी ई ए सी के समांतर है। तो सिर्फ आप डी ई और ए सी को ही याद रखिए एक मिनट के लिए, इन दोनों को जो रेड लाइन मैंने लगा रखी है समझने के लिए, इनको एक बार आप भूल जाइए। तो ये कुछ इस तरह की इमेज अपने माइंड में रखिए, क्योंकि हमें डी ई और ए सी का ही एक बार रखना है। तो यहाँ पर हम लिखें क्योंकि डी ई समांतर है ए सी के, इसलिए बी डी बाई डी ए किसके बराबर होगा, बी ई बाई ई सी। क्यों आएगा, कारण दे देंगे बी पी टी द्वारा, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय द्वारा। अब दूसरा देखिए कि डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, अब इन दोनों लाइनों की बात करता है, तो अब ये दोनों भूल जाइए, अगर ये दोनों भूलते हैं तो हमारे माइंड में पिक्चर कुछ ऐसी आनी चाहिए। अब तथा डी एफ पैरेलल टू ए ई है, इसलिए बी डी बाई डी ए किसके बराबर होगा, बी एफ बाई एफ ई। अब इसे समीकरण एक माने और इसे समीकरण दो माने, इन दोनों समीकरणों की लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी हम इक्वल रख सकते हैं। तो समीकरण एक व दो की तुलना करने पर एक व दो की तुलना करेंगे तो बी ई बाई ई सी किसके बराबर होगा, बी एफ बाई एफ ई के बराबर, या उल्टा लिख दीजिए
बी एफ बाई एफ ई बी ई बाई ई सी के बराबर है। हेंस प्रूफ। तो इस एक्सरसाइज के लगभग सवालों में क्या है कि जैसे हर एक में दो ट्रायंगल बन रही है और उनकी एक साइड जो है वो कॉमन मिलेगी, जो एक साइड कॉमन मिलेगी उस पे हम बीपीटी लगाएंगे तो दो समीकरण बनेंगे, उनकी एक एक साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, और दूसरी साइड इक्वल करके हम जो भी रिक्वायर्ड है उसके प्रूफ तक पहुंच जाते हैं। अब 6.2 प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 5। आकृति 6.2 में डी ई ओ क्यू की पैरेलल है, डी ई ओ क्यू की पैरेलल है और डी एफ ओ आर के पैरेलल है, डी एफ ओ आर के पैरेलल है। दर्शाइए कि ई एफ क्यू आर के पैरेलल है, ई एफ जो है वो क्यू आर की पैरेलल है। सबसे पहले देखिए कि इन्होंने दिया है कि ई डी जो है वो डी ई जो है वो ओ क्यू के समांतर है, क्योंकि डी ई ओ क्यू के समांतर है। अब देखिए सिर्फ इतना इतना पोर्शन अपने माइंड में रखिए और इस पे हम क्या लगाएंगे, बी पी टी लगाएंगे। इसलिए पी डी बाई डी ओ, पी डी बाई डी ओ किसके बराबर हो जाएगी, पी ई बाई ई क्यू। इसको समीकरण एक का नाम दे देंगे और इसका कारण दे देंगे बी पी टी द्वारा। तथा और क्या दिया, डी एफ समांतर है ओ आर की, डी एफ समांतर है ओ आर की। अब सिर्फ हमारे माइंड में ये वाली ट्रायंगल रहनी चाहिए, डी एफ ओ आर के समांतर है। डी एफ ओ आर के समांतर है तो इसका मतलब पी डी बाई डी ओ किसके बराबर होगा, पी एफ बाई एफ आर। इसे समीकरण दो का नाम देंगे और इसका रीजन भी वही देंगे बी पी टी द्वारा। अब यहाँ से देखिए कि जिन दोनों ट्रायंगल्स पे हमने बी पी टी लगाई है उनकी एक साइड देखिए, ये वाली साइड क्या है, दोनों की कॉमन है। अगर ये दोनों साइड कॉमन है तो इनके द्वारा जो दो समीकरण बनते हैं उनकी एक साइड भी पक्की बात है कि इक्वल होगी। तो यहाँ देखिए पी डी बाई डी ओ, पी डी बाई डी ओ। तो जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड हम इक्वल रख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक व दो से पी ई बाई ई क्यू बराबर पी एफ बाई एफ आर। अब देखिए पी ई बाई ई क्यू बराबर पी एफ बाई एफ आर आ गया। यहाँ से देखिए पी ई बाई ई क्यू बराबर पी एफ बाई एफ आर आ गया, तो इसका मतलब ये वाले साइड इसके पैरेलल है, तो ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। तो यहाँ पर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। किसके द्वारा, बी पी टी के विलोम द्वारा। हेंस प्रूफ। यही चीज हमें सिद्ध करनी थी। प्रश्नावली 6.2 का छठा क्वेश्चन,
आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ए बी और सी इस प्रकार हैं कि ए बी पी क्यू के समांतर है, ए सी पी आर के समांतर है, तो ये दर्शाना है कि बी सी क्यू आर के समांतर है। तो सबसे पहले ओ पी क्यू एक ट्रायंगल ले लीजिए। त्रिभुज ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में दे रखा है ए बी समांतर है पी क्यू के, ए बी समांतर है पी क्यू के, इसलिए ओ ए बाई ए पी किसके बराबर होगा, ओ बी बाई बी क्यू। इसको समीकरण एक मानेंगे और इसका कारण भी देंगे बी पी टी द्वारा। अब देखिए दूसरी दे रखी में ए सी समांतर है पी आर के, ए सी समांतर है पी आर के, तो इसकी त्रिभुज बनेगी ओ पी आर। त्रिभुज ओ पी आर में ए सी समांतर है पी आर के, इसलिए ओ ए बाई ए पी किसके बराबर आ जाए, ओ सी बाई सी आर। ओके अभी देखिए इन दोनों त्रिभुजों में एक साइड कॉमन है, तो इनके द्वारा ये जो दो समीकरण बने हैं, इन दोनों समीकरणों की एक साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ देखिए ओ ए बाई ए पी, ओ ए बाई ए पी, तो समीकरण एक और दो से क्या होगा, जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड को हम इक्वल रख देते हैं, ओ बी बाई बी क्यू बराबर ओ सी बाई सी आर, ओ बी बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर। अब सिर्फ इस ट्रायंगल में देखिए ओ बी बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर, इसका मतलब बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी, बी पी टी के विलोम के द्वारा, इसका मतलब बी सी समांतर है क्यू आर के कारण, इसका दे दीजिए बी पी टी का विलोम, कन्वर्स ऑफ बी पी टी। हैंड्स प्रूट ये सिद्ध करना था हमें।